ठीक है जी करिए स्टार्ट ओके गुड आफ्टरनून बोल सकता मैं बारह तीन हो गए है ना okay, एक यार ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स न थोड़ा ज्वाइन कर लो तो फिर चल दिया ठीक है पंजाबी लिटरेचर क्यों है ਇਹ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁਆਇਨ ਵੀ ਲੇਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਸੈਕਿੰਡ ठीक है जी चलो बेटा स्टार्ट कर हैं अच्छा ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना इंपॉर्टेंस पता ऑप्शनल की है, की है? कि बैच है मैं पढ़ाया कदे ये आईपीई ई फोर इवनिंग बैच ठीक है चलो ऑप्शनल बेटा पहला देखो यार हाले तक पता लग गया होना है ना कि कोई भी ऑप्शन है सब तो पहले तो वेटेज किसी भी ऑप्शन की पाँच सौ मार्क्स है कोई भी लै लो चाहे मैथ्स ले लो सब तो व्डा ऑप्शन लै लो चाहे कोई भी ऑप्शन है पाँच सौ मार्क्स ठीक है हूँ हमेशा मैं एक चीज़ क्लासा कर कर के डिस्कस करना इतने भी उ डिस्कस कर रहा है साड़ी अज की ड्यूटी ये है कि हर एक बच्चे नू सारे ऑप्शन बारे क्लीयर होना चाहिए कि की कुछ एक ऑप्शन है कोई भी ऑप्शन लैन तो पहला तीन चार चीज़ा ने जिड़िया के हमेशा क्लीयर होनी चाहिए ने ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਲੰਡਰ ਹੈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਉਸ ਆਪਸ਼ਨਲ 'ਚ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਣੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਕੁਝ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ ਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਖੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਲੋ ਹੈਂਗਿੰਗ ਫਰੂਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹਰਡਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਡਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸਮੂਥ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਐਜ਼ ਮੇਰਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਾਇੰਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਇਥੇ ਛੋਟੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਫੋਰ ਚੂਜ਼ਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆਪਸ਼ਨਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯੈਸ ਕੋਈ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆਪਸ਼ਨਲ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ कोई भी ऑप्शनल चूज करना है नो no मैटर पंजाबी लिटरेचर ठीक है तो एक चीज़ याद रखियो दो तरीके के सब्जेक्ट है क्लीयर हो गया एक स्टैटिक है एक डायनामिक है ठीक हर एक स्टूडेंट का अपनी अप्रोच है बट मेरे लिए जो बेस्ट चीज़ मैं मानता वह की है स्टैटिक जिन्ना ज़्यादा कोई भी सबजैक्ट स्टैटिक होना है ठीक है हम देखो इकोनमी पढ़ी है मेरे तो एकनमी की है डायनामिक है ना डेली तो अपडेट करना पैंता है ना प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती जो डेली तो अपडेट कर दू एमसीू सोल्व कर बैठे तो कि हो कोई करंट अफेयर अपडेट नहीं किया तो करंट अफेयर दे उत्ते कोई क्वेश्चन बन गया तो की है जीरो है तो ऑप्शनल चीज़ याद रखियो जरूरी नहीं है कि फस्ट ईयर फस्ट अटैम्प्टा पेपर क्लीयर हो जाए ठीक है इट्स हार्ड रियालिटी बट इट इज़ ट्रुथ दैट जरूरी नहीं है कि फस्ट अटैम्प्ट ऑप्शनल या पी क्लीयर हो ठीक है सैकेंड अटैप दोगे थर्ड अटेम्प्ट होगा तो हमेशा अगर स्टैटिक ऑप्शनल है तो एक चीज़ का बेनीफिट हो जाएगा जिन्नी बार रिवाइज करा सा स्किल्स जो ने ब्रशअप होंगे जाएंगी जिन्नी बार रिवाइज करा ना उन्ना ही उसका बेनीफिट होना है। और अब मैं पंजाबी लिटरेचर जो आप डिस्कस कर रहे थे अब दिखा के जाऊंगा क्योंकि जी एस डी क्लास के डिसलोज नहीं करता वह भीड़ होंगी है ठीक अज मैं दिखाऊँगा कि फायदा की है और अभी इन्ने जो मैं हमेशा एक क्लेम कर दें मिनीम टू फिफ्टी मार्क्स क्लेम करम कर ठीक कर है नो मैटर तुम पढ़ते हो नहीं पढ़ते मैं फिर भी क्लेम कर दिनीम टू मिनीम टू फिफ्टी मार्क्स तो आए आन आने चाहे जिन्ना मर्जी गधे तो गधा स्टूडेंट है सॉरी टू से ठीक है और अगर कोई पढ़न वाला है तो बेटा मार्क्स बहुत ज्यादा उपर जाएगे रीजन एंड विद प्रूफ वो आप देखा ठीक है दूजी चीज इत लिखा हुआ तीन देख लो मैं ठीक स्थैटिक दैनिफिट यह है डायनामिक डायनामिकटिवली दूसरा की है साढ़े को ना एट मैक्स जो यूपीएससी हूं तुम्हें भी घटा रही है नाइनटी टू नाइनटी फाइव डेज का गैप है प्री तो मेन्स के हूँ अगर तुम नाइनटी टू नाइनटी फाइव डेज के गैप की गल करो ना बेटा ये नाइनटी फाइव डेज है नाइनटी फाइव डेज के ऑप्शनल भी रेडी करना नाइनटी फाइव डेज ही जी एस दार पेपर ने जेडे ਉਹ ਵਿਦ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਦ ਅਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 90 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ 에ਸੇ ਜੋ ਹੈ ਔਰ ਐਟ ਲੀਸਟ ਐਟ ਲੀਸਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਾਈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਾਈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ 10 ਟੂ 15 에ਸੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ 에ਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਆਣਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਠੀਕ ਔਰ ਦੋਸੋ ਡੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਅੱਗੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਪੇਪਰ ਆਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਹੋ नो सॉरी नॉट पंजाबी एक इंग्लिश तो होनी ही होनी है दूसरी तुसी कोई भी जो है चूज करो ठीक है और अगर पंजाबी ही चूज करो क्लियर है ठीक हूँ नाइन फाइव डेज एक चीज ध्यान रख आ जी एस है ना बेटा जी एस दार पेपर है और जी एस दू चार पेपर किनर्जी उन्होंने किाइम चाहता है तो अगर पंजाबी ऑप्शनल छोटा है तो एक बेनीफिट हो गया है मैं अपना एक्सपीरियंस दसदा बेटा मेन्स लिखन तो पहला प्री तो मेनज विचला जो टाइम गैप हों मैं बड़े आराम न कह रहा मैं मैं सत्तों अठवाजा रिविजन करना बड़ा ईजीली कह रहा मैं बड़ा ईजीली ठीक है सैवन टू एट टाइम्स रिविजन पॉसीबल है पंजाबी और उसका इको एक, एक रीजन है क्यों पॉसीबल है क्योंकि यह सब तो छोटा सब्जैक्ट है यूपीएससी जर्नी सब तो छोटा मैं फिर क्या पांच सौ मार्क्स लेने बेटा पांच सौ मार्क्स है चाहे ग्यारह महीने का कोई सब्जैक्ट ले सौ ही उस मार्क्स आने हैं चाहे कोई ढाई महीने का सबजैक्ट ले सौ तो ही आने ठीक है।, है तक फिर क्यों ना छोटे तो छोटा चूज किया जाए जो मेरा रीजन के छोटा सबजैक्ट लो ढाई महीने के ख़त्म है और मीन वाइल जो तक दूसरिया ऑप्शन खत्म होने हैं साथ टैस सीरीज भी खत्म हो जाने असी टैस दे के भी एक रिविजन करके भी वह हो जाए ठीक हूँ पंजाब तो मोस्टली सारे जिन्हें भी हो ठीक है ज़्यादा तो ज़्यादा हरियाणे तो होंगे, ठीक है हिमाचल तो होंगे, महाराष्ट्र का पेपर देना पीसीएस यूपी पीसीएस देना होम एमपी पीसीएस देना हो पंजाब के दे रीजन के दे जो स्टूडेंट है अभी लोग ज़्यादा तो ज़्यादा यूपीएससी टारगेट करा ठीक है सैकंड साढ़ा टारगेट की होगा पंजाब पीसीएस होगा ਥਰਡ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਪਸ਼ਨਲ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਪਸ਼ਨਲ इसक बियॉन्ड ज कलू सोचोगे कि सर असर साउथ इंडिया का कोई पेपर देना नहीं फिर पाबा लिटरेचर तो बेटा फिर कोई होर सब्जेक्ट चूज कर लो मेन टारगेट यूपीएससी है पंज परसेंट का टारगेट है स्टेट का स्टेट में सोच के यूपीएससी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो बहुत बड़ी बेवकूफी है हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ इतने मैं पंजाब पीसीएस से ज़्यादा फोकस करूँ पंजाब पीसीएस किसी भी स्टूडेंट ने देना ऑप्शनल मैटर ही नहीं करता क्योंकि पीसी एस केनल है ही नहीं ठीक है बट पंजाबी लिटरेचर इकलौता ऑप्शनल है जो पंजाब पीसीएस देगा रीजन पीसीएस मेनज दो लैंगुएज के पेपर है सौ सौ मार्क्स इंग्लिश का एक पंजाबी का कंपलसरी पेपर ने तो तुडे कोई चॉइस नहीं है अगर तुम्हें तो पीसी एस छपीयर होना है सौ नंबर द इंग्लिश सौ नंबर दी मेन्स आनी है और मार्क्स एड होने ठीक है, है? तो आ जो साी लिटरेचर दे मैथ है या जिन्या भी पंजाबी लिटरेचर अंत पढ़ा उस बाय डिफॉल्ट सा जो मेन्स का सौ क्वेश्चन सौ नंबर का पेपर है ना वो बाय डिफॉल्ट असी कवर कर लिया जिस दे दूसरे स्टूडेंट नाबी पढ़नी पैनी है वो तुम ऑलरेडी अपने लिटरेचर कवर कर चुके ठीक गल समझ आ रही है मैं तीन चीजा डिसकस की हाले तक लेंथ सबजैक्ट की स्टैटिक डायनामिक सबजैक्ट तीसरा की है सा पीसीएस का बेनीफिट ठीक है पीसीएस दे लिए मैं सब तो ज़्यादा लिए फोकस कर रहा क्योंकि पीसीएस के एडिड एडवांटेज है जो सू कि तो नहीं मिलती ठीक है हूँ इस तो बाद देखो मैं एक चीज लिखी है मोस्ट प्रेडिक्टेबल ऑप्शनल हमेशा कहना है पंजाबी लिटरेचर नाइनटी परसेंट प्रडिकटेबल है नाइनटी परसेंट और मैं नाइनटी परसेंट घट कह रहा और एक चीज याद रखियो मैं पंजाबी लिटरेचर जो तो पढ़ाऊंगा क्लास नोट्स जो है डेढ़ कॉपी नहीं है upon, तुसी, ना? अगर तीन सौ पेज की कॉपी है तो मतलब तीन सौ चार सौ पेज है खत्म लिटरेचर ऑप्शनल जो है मैं एक या डेढ़ कॉपी की गल कर रहा मैं दस किताबों की गल नहीं कर रहा और उसका रीजन अगे कित हो डिस्कस कर देख नैगलीजिबल एक सब तो व्डी बच्चे की प्रॉब्लम है सर पंजाबी लिटरेचर के सिलैक्शन तो है नहीं ठीक है जो हमेशा दिमाग कि सर पंजाबी लिटरेचर के कोई सिलेक्शन है या नहीं है दिखती तो है नहीं सर सब तो वही चीज़ है ना दिमाग दे वो देखते हैं की है कि नहीं लो पहला उसके उत्ते चलना यूपीएससी हर साल रिपोर्ट पब्लिश कर दी है बेटा इस साल उसकी सैवनटी सैकेंड रिपोर्ट आई है ठीक है और सैवनटी सैकेंड जी रिपोर्ट है मतलब उसने की किया दो हज़ार भी जरा यू पी एससी का पेपर होविल सर्विसिज का उसका पूरा का पूरा एनैलिस यूपीएससी हर साल सोनू दिदी है ये यू पी एससी की वैबसाइट तो आप कुछ नहीं इस ठीक है यू पी एससी दशनल सबजैक्ट अपीयर स्टूडेंट रिकमेंडेड स्टूडेंट रेट की है वो दिख रहे तो जर्नली अगर असं देखते हैं तो यह है, है सोडा लिटरेचर तो बिना वाले जो सबजैक्ट है उन्होंने सक्सैस रेट ठीक है हम अगर मैं गल करा मेन बच्चों के जो फेमस सबजैक्ट्स है वह की है सोशोलॉजी है सोशोलॉजी का सक्सैस रेट नाइन पॉइंट टू बहुत वीडियो सक्सैस रेट है ठीक है वन ऑफ द हाईएस्ट सक्सैस रेट जैसी गल करते हैं ठीक देन आफ्टर पबैड है सैवन पॉइंट फाइव परसेंट सक्सैस रेट देन योर पॉल साइंस है 8.3 पॉइंट परसेंट सक्सैस रेट देन योर हिस्ट्री है 4.1 पॉइंट परसेंट सक्सैस रेट ठीक है यूपीएससी दी वेबसाइट वैबसाइट यूपीएससी दी रिपोर्ट दस रही है सक्सैस रेट है थोड़ा और हूँ अगर आपकी गल कर लिए ऑप्शनल दिस इज पंजाबी लिटरेचर देखो कितने मैं दिख नहीं रहा दिस इज दिस वन बारह परसेंट सक्सैस रेट दो हज़ार भी मैं परसेंटेज गल कर रहा बेटा परसेंटेज गल करनी वो ज़्यादा बेनीफिशियल है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड ट्वेंटी फाइव सिलेक्टेड थ्री स्टूडेंट्स परसेंटेज ट्वेल्व परसेंट एज पर यूपीएससी पी एससी वैबसाइट दो हज़ार भी पेपर होया उसी लिटरेचर या किसी भी लिटरेचर की सक्सैस रेट तुझे देखो तो सही कोई भी लिटरेचर की गल कर रहा बेटा मैं कोई भी लिटरेचर इत भी ऑप्शन है इंग्लिश लिटरेचर है सक्सेस रेट, लिटरेचर याद रख ठीक है जिन्ना ज्यादा कॉम्पीटिशन है उन्ना ही प्रॉब्लमैटिक है उसका रीजन की है क्योंकि यूपीएससी यह नहीं कर सकती कि एको एक ही स्टूडेंट्स एक सबजैक्ट के स्टूडेंट्स पूरा का पूरा लौट मान लो एक्स सबजैक्ट के लिए दो हज़ार स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं तो यूपीएससी यह कद नहीं कर सकती कि यह दो हज़ार के दो सौ स्टूडेंट निलेक्ट कर लेना उन्होंने बैलेंस आउट कर चीज़ क्लीयर है तो बैलेंस आउट कराने जितने घट्ट स्टूडेंट होम्पीटिशन घट होना साफिट कितने ना कि उत्थे दिखना क्लीयर है दो हज़ार भी अगर यह रिपोर्ट है उस तो पिछली रिपोर्ट है ठीक है ये लास्ट दो हज़ार उन्नी की रिपोर्ट है दो हज़ार उन्नी लिखा हुआ है ठीक है यूपीएससी की ही रिपोर्ट है इतनी भी है सारे जी एस द सबजैक्ट्स और लिटरेचर है लिटरेचर पंजाबी देखो दोबारा पंजाबी लिटरेचर पांच पॉइंट छे सक्सैस रेट ठीक है दो हज़ार अठारह का है एनुअल रिपोर्ट दो हज़ार उन्नीस भी मतलब दो हज़ार अठारह द सक्सैस रेट है और इस दे इसो जी एस दबजैक्ट जो है साढ़े और लिटरेचर के सबजैक्ट्स है और इतने अगर लिटरेचर की गल देखिए दिसंजाबी लैंगुएज दिस इज पंद्रह परसेंट तो एक चीज़ दिमाग चो कर दो कि ऑप्शनल लिटरेचरों सिलेक्शन नहीं होंगी सब तो ज्यादा सिलैक्शन है बेटा उसके पीछे एक रीज़न है और रीजन की है कि लैंगुएज है एक स्टेट का मुद्दा है अगर किसी लैंगुएजों स्टेट कोई स्टूडेंट नहीं सिलेक्ट होंगे किसी लिटरेचर ऑप्शनल का तो एक नैशनल लैवल का मुद्दा बनता है क्लीयर है तो हमेशा याद रखियो लिटरेचर सिलैक्शन है और एज कंपेयर टू जो जी एस दूसरे सब्जेक्ट है उन्होंने बराबर द ही है बल्कि उन्होंने तो ज़्यादा है घट नहीं है क्लीयर हो रही है गल ठीक कोई भी ऑप्शनल चूज़ करोगे ना मैं नहीं कह रहा पाबा करो कोई भी ऑप्शन चाहे ऑनलाइन बैठे स्टूडेंट्स ये सारे सक्सैस रेट ना घर जाके जरूर देखने गल समझ आ रही उस तो बाद सिलेक्शन करी दी होंगी है कि असी करना की नहीं करना हूँ इतने एक मैं स्टार्टिंग डिस्कस की एक सैकेंड ना थोड़ा जा मैं अगे पिछे जाना इतने मैं कुछ लिखे जो भी ऑप्शनल पंजाबी लिटरेचर का सिलेबस है ना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट थर्टी परसेंट अवर कर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं स्कूल एजुकेशन जो सा हुई है असी उदों तो पंजाबी पढ़ी है ना तोी असी ग्रामर पढ़ी है ठीक है और ग्रामर अगर मैं पंजाबी गल करा तो पेपर वन है तो पेपर टू है ठीक है पेपर वन अगर दो सैक्शन ए, 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 है सैक्शन एक्शन बी पेपर टू सैक्शन एन बी कलर है, है, और सिर्फ ग्रामर है। ए, सारी की सारी ग्रामर है पंजाबी ग्रामर ठीक दिस इज पेपर वन जो सैक्शन है जो मैं कह रहा कि पंजाबी ग्रामर है लिटल ओरिजिन ऑफ पंजाबी लैंग्वेज पंजाबी भाषा ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਨੀ ਵਿਉਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਵਰ ਵਿਅੰਜਨ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਵੋਵਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਨੀ ਵਿਉਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਠੀਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਝੀ ਮਲਵਈ ਦੁਆਬੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਲਿਪੀ बोलदा मैं पंजाबी भाषा है लिखन लगया लग मैं लिखदा भी है ना कुछ है। ते जदों लिखदे हैं गुरमुखी लिपि जेडी है ओ अस यूज़ करदे ते भाषा ते लिपि ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਤ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਤ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਸੂਫੀ ਕਾ ਕਿੱਸਾ ਕਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਸੂਫੀ ਕਾ ਵਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ जो इस बेनीफिट है किसी होर लिटरेचर चाहिए बेनीफिट नहीं है मैं की क्या ढाई महीने का सबजैक्ट है उसके पिछे रीजन पता है की है बेटा आ जो पूरा का पूरा पोर्शन है एक्सैप्ट दिस नाथ जोगी आोरशन सारा का सारा ये साू एलैप करता है टू एवरलैप करता है लिखे इतना गुरमत गुरमत अ टू तो ए मैं दिखाऊँगा अभी बानक दिन बाणिया ने पढ़ते हैं आरमत कवर हो रहा सा इतने नहीं पढ़ने की लड़ अस टू ए कवर करा बाय डिफॉल्ट सा वन ए का पोर्शन कवर होना है सूफी काव जो है सूफी बुले शाह अ करा ठीक है फरीद बाणी अभी पढ़ा टू ए दोने चीजा की है सूफी काव्य है टू एवर किया इत कवर हो गया और उसके तो बाद किस्सा काव किस्सा काव्य है वारी शाह का जरा किसा है हीरझे की कहानी है टू एवर करा कवर हो गया जन्म साखी प्लस नाथ जोगी कवर करके गल समझ आ रही है मन के चलो जो तुम पढ़न लगोगे तो पता लगो कि सैक्शन ए एक बार अंदर दिन दिन खत्म किया कलास के सारिया चीज बैकग्राउंड अभी पढ़िया सारा का सारा रिकॉल हो जाओ लिंग वचन पढ़े है ना नंबर जेंडर सिस्टम तो उ लिंग वचन है इस भाषा की है उपभाषा की है उ भाषा उपभाषा ये सारे चीजा ठीक हूँ अगर आ जाइए सब तो व्डा जो बच्चा एक प्रॉब्लम रही है अगर तुम तो सिलेबस खोल ना तो जोड़ा येक्शन बी है पेपर वन का सैक्शन बी इस प्रॉब्लम आती है इस प्रॉब्लम की है बेटा करीब करीब चाली राइटर चाली कह लो थर्टी फाइव टू फोर्टी के करीब करीब राइटर्स ने सैक्शन बी दे पेपर वन सैक्शन बी चाली के करीब राइटर सर ये सारे राइटर पढ़ने पैने सारे ये दिया सारिया राइटिंग पढ़निया पैनिया ने ना कुछ नहीं है ये जिन्हें राइटर ने ना इन बड़ी मुश्किल अस्सी तो लैके सौ पेज जो तो मैं क्लास पढ़ाऊँगा मैं पूरा क्या किन्ने तीन सौ साढ़े तीन सौ पेज का पूरा चार सौ पेज के लिटरेचर खत्म कर देने आप तो उसके अस्सी से सौ पेड़ कलास के लिखवाऊंगा ना सिर्फ और सिर्फ उसके स्टिक रहना उसके क्वेश्चन आगे एक भी क्वेश्चन जो है क्लास तो बाहर नहीं आना सो अबाउट दैट और इससे मैं पढ़ना मैं पढ़ के निचोड़ तो कढ़ा है जेडा कि समझ आए और पेपर दे आए देखो यार एक चीज याद रखियो हमेशा यूपीएससी क्लीयर करनी है किसी सबजैक्ट न्यार नहीं पा सबजैक्ट प्यार पाने का काम साढ़ा है क्योंकि इतों रोटी चलती है मेरी गल समझ आई जो तक मैं यूपीएससी करता सी, मैं भी प्यार नहीं पाया पंजाबी लिटरेचर इनडेप मैं उदो पढ़ी है जो तो मैं पढ़ा नहीं पई जो तो मैं पढ़ता सी पेपर देने तो जिन्नीक पेपरली रिक्वायर है और जिस मेरे मार्क्स आ सद मैंने उन्नी पढ़नी क्लीयर है कोई भी सबजैक्ट पढ़ोंगे ना ये कि यार मैं तो सारा ही पढ़ना है ना जो पेपर की रिक्वायरमेंट है जो पेपर की डिमांड है वह पढ़ो हाँ उस टाइम है ना बेटा मन लगता पढ़ो अज भी मैं जब जी जो है घरें मैं उसका पाठ करता जो मेरा दिल करता उदो पूरा पाठ नहीं एक या दो जो है पौड़ियाँ पढ़ लिया जिथे मन करे जिथे कौ किताब खुल गई जी किता पढ़ लिया तो पढ़ लिया गल समझ आ रही है तो जो पेपर की डिमांड है इन्होंने सारे राइटर्स दे ले ले, क्लास के कंप्लीट होनी है और विद ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव लैक्चर ये सारा का सारा कंप्लीट हो जाना जिन्ना किताब क्लास के होगा सिर्फ वह पढ़ना ठीक है एक्स्ट्रा उस तो दसूंगा कि की पढ़ना है, की नहीं पढ़ना ठीक है गल समझ आ रही है चाली से चाली राइटर नहीं पढ़ने बेटा चाली दे चाली राइटर सारिया राइटिंग्स नहीं, राइटिंग नहीं पढ़निया बिल्कुल गलत मिथ है जो भी सोचता है इस दे बारे हम आ जाओ अगेन वही है सेक्शन बी पेपर वन का ही सेक्शन बी पार्ट क्लियर है एक चीज पेपर वन सेक्शन बी पेपर टू

सैक्शन ए की बी की गल कर पेपर वन तीन असं ड्रामा है इसे को दो तीन चार पे लोग ने जो ड्रामा लिखते हैं ठीक है ड्रामा मतलब नाटक इन्होंने ना एक बलवंत गारगी है अं वन ए जो कवर करा ना वन बी तो असं बलवंत गारगी इतने पढ़ा हूँ यही बलवंत गारगी बी देख है उस बलवंत गारगी नाटक ने ਧੁਨੀ ਦੀ ਅਗ ਲੋਹਾਕੁੱਟ ਸੁਲਤਾਨ ਰਜ਼ੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 2b ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 1b ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 1b ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 2b ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਕਲੀਅਰ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹੋ ਸਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਓ ਚਾਹੇ ਲਿਖ ਲਓ अगर सो जो तो मैं सैवनिटी परसेंट वाली गल कर रहा ना सिर्फ नाम लिखो बलवंत गारगी जो टू बीते आवेंगे ना देखा तो किन्ने किने राइटर जे ऑलरेडी कवर कर ले वन बी दे बलवंत गारगी हो गया दूजा की है नॉवलिस्ट है, वन बी के नॉवलिस्ट बारे पढ़ना वक्र वखरे नोवलिस्ट देखो यी पढ़ाई है ना वन बी के डिमांड है हॉरीजोंटल मतलब जिने नोवलिस्ट ने उन्होंने उपरों उपरों पढ़ो उन्हों का का तरीका पढ़ लो ठीक है इन्होंने नोवलिट के नॉवलिस्ट है नानक सिंह ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੋਵਲਿਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਾਵਲ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਨਾਵਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2B ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ 1B ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੀਕ ਤਿੰਨੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜੋ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਐਸੇ ਐਸੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਨਿਬੰਧ ਰਚਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐ। ਨਿਬੰਧ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਹੈ। गुरबखिंग प्रीत लड़ी गुरबख प्रीत लड़ी ने तीन किताबं लिखिया ने किताबा कई लिखिया ने बट उन्हें तीन किताबं जू तो बी देख मैनशन है ठीक है वह तीन किताबों के बेसिस एनैलिसिज उस टू बी डिमांड है बट असी इतने ही तिने किताबों के बेसिस उ गुरबख सं प्रीत लड़ी का पूरा का पूरा एनैलिस करा क्लीयर है हूँ इस तुं बाद आ जाओ लिटरेरी क्रिटिसिजम क्रिटिसिजम का मतलब क्योंकि गाला नहीं होंगे हमेशा जो भी क्रिटिसिजम की गल आगे नैगेटिव नहीं होंगे लिटरेरी क्रिटीसिजम का मतलब कि बलवंत गारगी बलवंत गारगी अपने नाटक प्रजेंट करता है औरतेंट करता है सारिया चीजा कि दिस इज समथिंग कॉल्ड एज क्रिटिसम ठीक है तो लिटरेरी क्रिटिसिजम एक ऐसा सेखों है संत सिंह अगेन इन्होंने तीन किताबा लिखिया ने लिटरेरी क्रिटिसिजम के बेसिस उत्ते तिने किताबा टू वी मैनशन है ये तिना किताबों के बेसिस उत्ते ही असं इतने इन्हों एनैलिस करेंगे और जो तो मैं तिना किताबों के बेसिस उत्ते कह रहा ना यहाँ सोच लो कि पता नहीं पोथी य तिना किताबों का एनैलिस जो है अठ तो नौ पेजा खत्म हो जाता है क्लीयर है ठीक हम गल समझ आई है किन्ने राइटर्स मैं लिखे ने इतने हूँ आ जाओ पेपर टू के उ पेपर टू ਪੇਪਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਰ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪੇਪਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੋਹਿਤ ਗਰਗ ਹੈ ਗਰਗ ਮੈਂ ਬਾਣੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਗੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਸੀਤਾ ਬਾਰੇ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਪ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਅਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ 12 ਮਹਾਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਰਟਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ 12 ਮਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿੰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਹਨ ਹੈਨਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਥਿੰਕਰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਥਿੰਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ यूपीएससी क्वेश्चन आऊगा जपजी के बाबा नानक ने इंसान न परमात्मा तक पहुँचने रस्ते दसे गल सुनो बाबा न सोच की है जपजी केवे दिख रही है और जपजी में इंप्लीमेंट किए किया गया मतलब उसमें शो की गई है आ साराणिया की गल कर रहा बेटा मैं इस मुश्किल अठ तो दस जपजी मैं क्लास के पढ़ाऊंगा तुम्हें नहीं पढ़नी जपजी मैं क्लास के दो दिन खत्म करूँगा पूरा का पूरा यहाँ पाठ दैट्स इट इस तो बात तुसी जब जी नहीं पूरा का पूरा रटना पूरे के पूरे पहाड़ ज्यादा तो तो दस कोट है तो दस अदरवाइज है दो सौ बट करने कि अठ तो दस सेम बारह माह है कि एट मैक्स अठ तो दस और इस दारह माह बहुत घट अठ तो दस भी नहीं चार या पांच कोट है जो याद करने पैने और आसा वार है जिस अगेन अठ तो दस कोट है याद करने पैने और इसका एक पीडीएफ दूंगा जेडे उस पीडीएफ कोट है जपजी बाबा नानक बारे तो ना इन्ना क सौखा है यूपीएससी क्यों जो मेरे टीचर से राही सर उन्होंने किताब लिखी सी बाबा नानक के नानकते नानक बाणी विवेचन करके किताब का नाम है वो नानक बाणी विवेचन ने बा नानक दिनों जो रइटिंग है उन्होंने अनालिस यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू तो किया बस ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਇਹ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾ ਲਓ ਪੂਰੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 10% ਹੋਣਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜੋ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾ ਗਾਣੇ ਸੁਣਿਆ ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ ਸੱਦੋ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਦੋ ਰਾਂਝਾ ਹੀਰ ਨਾ ਆਖੋ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਹੀ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ प्रसंग सहित व्याख्या च पुछ लिया जाए जो कि हर ऑल्टरनेट ईयर चुना हर ऑल्टरनेट ईयर की गल कर रहा मैं आ काफी जीडी गाने सुनी है रांझा रांझा कर दी ने मैं आपे रांझा हुई ये यूपीएससी पुछती है अपने उस विच। ठीक है एक होर गाना है बड़ा फेमस वो अगला यूपीएससी टू बीच ना सैकंड से, से, पेपर एक बहुत मजेदार चीज है और डिस्कस करता मैं हीर कि नहीं पता हीर तांझा कौन सी मेरे ना पढ़ाए भी सूँ ही हीरते रांझे की कहानी मोटी मोटी पता है और पता एक चीज आ हीरते रांझे लैके दस तक जिम्मे अथे कोर्ट याद करने न, सिर्फ वो कोर्ट ने कहानी इस दिधा कहानी चो पेपर आंदा है क्वेश्चन आंता है और सीधी कहानी के क्वेश्चन सारा कुछ पता है कहानी एक बार क्लास के रिपीट करूँगा ना सब तो लास्ट पढ़ा मैं हीरते रांझा और एक दिन खत्म होंगे सिर्फ कहानी दसनी ठीक है और कुछ है ही नहीं इससे ਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਠੀਕ ਹੈ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਗਾ ਕਰਨ ਢੰਡੋਲਿਆ ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ इस पूरे पोर्शन अगर किसी मन सकते हो ना भी जिसके बारे अनाफी थोड़ा बहुत भी शेख फरीद होना फरीदा खाए के ठंडा पानी पी ठीक है देख पराई चोपड़ी ना तरसाओ जी इन्ना सुने शेख फरीद है, है जिस हाले तक हो सकता ना पढ़िया हो तिने जेटर है जो थिंकर है यूपीएससी के लिए ऑलरेडी बहुत कुछ किया क्लीयर कलास पढ़ा याद तुसी कुछ नहीं करना जो मैं चीजा कहूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये याद करनी है, देखनी है सिर्फ उसके उत्ते फोकस करना अलग नहीं करना क्योंकि मैं कलेम करना ढाई सौ मार्च मिनीम तो फिर मेरे हिसाब चलना पै पेपर टू सेक्शन बी आ जाओ जी सैवंटी परसेंट ओवरलैप है सैक्शन एक्शन बी गुरब प्रीत लड़ी तीन किताबा ने जिंदगी दास नवा शिवाला मेरिया भूल यादा ठीक है ये तीन किताबों के बेसिस उत्ते एनालिसिस वन बी द कर चुके नानक सिंह तीन नॉवल है नानक सिंह के तीन नॉवल असी वन बी के अनालिस खत्म करता उस तो बाद बलराज सानी नॉट बलवंत गारगी गारगी नाटक है वन बी के कंप्लीट कर चुके हैं संत सिंह सेखों है वन बी देना कंप्लीट कर चुके हैं सिर्फ और सिर्फ आ बलराज सानी जो एक्टर से ना बॉलीवुड के एक्टर गाँव पता है ना फेमस एक मेरी जोहर जबी है ना विह गा है ठीक पंजाबी एक बहुत तगड़े राइटर से बेटा ठीक इन्होंने दो सफरनामे लिखे हैं दो सफ़र कितने रूस रूस का पाकिस्तान का तो दो सफरनामे है जो एक्सट्रा है वन बी नस रहा है एक बलराज सानी के दो सफरनामे एक शाह मुहम्मद का जंगनामा अंग्रेजा की जो लड़ाई हुई है पंजाब कैप्चर करो पताली छियाली लड़ाई हुई हैं ना वह लड़ाइया चार लड़ाइया वर्नर है जहाँ शाह मुहम्मद का जंगनामा और एक है ਤਨੀਰੰਗਾ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਐ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਸੱਮਾ ਵਾਲੀ ਡਾਂਗ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਲਵਾਏ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਦਮਾਮੇ ਜੱਟ ਮੇਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸੁਣਿਆ ਠੀਕ ਐ ਉਹ ਤਨੀਰੰਗਾ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਠ ਹੈ ਤਨੀਰੰਗਾ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ठीक सिर्फ और सिर्फ एक दो तीन ये जो असी टू बी के पढ़ा बाकी वन बी देख कवर हो गया सारा दिस इज द ओनली रीजन वाई जो तो मैं कहना ढाई महीने केपलीट होंगे पंजाबी वो इसलिए है क्योंकि ओवरलैप बहुत ज्यादा है टू ए का ओवरलैप वन ए दे नाल है। टू बी का ओवरलैप टू बी दे नाल है ठीक ये चीजा ने हूँ आ जाओ अगे ये तो है सिलेबस ਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਿਲਿਟੀ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬੇਟਾ 250 ਨੰਬਰ 250 ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ भाषा के जन्म और विकास पढ़ाव उ चर्चा करो ये क्वेश्चन है बेटा जिन्हें आना ही आना मौत ने आना ही आना है ना समझ गए ना जिंदगी है तो मौत ने आना ही है तो यह पंजाबी लिटरेचर का जिन्हें आना ही आना है इस तो बिना पंजाबी लिटरेचर पूरा ही नहीं है दो हजार बीबी भाषा के जन्म एक एक सिर्फ और सिर्फ मैं एक एक रखे ज्यादा नहीं इस तुम तो किता उसका रीजन की है एवं तो पूरी कॉपी फोटो नहीं खिंचा ना ठीक क्योंकि गुरमुखी लिपि पक्का है हंड्रेड एंड टेन परसेंट क्योंकि एक भाषा एक उसकी लिपि इस बनना ही बनना है गुरुमुखी लिपि दो हजार बई्स है दो हजार उन्नीस है दो हजार इक्की है ठीक तो है, है।, है और गुरमुखी लिपि का है पंजाबी क्यों उचित है मतलब किनिया लिपियां ने देवनागरी भी है होर भी है ना पंजाबी भाषा में लिखने सिर्फ गुरमुखी ही क्यों यूज की जा सकती है ठीक है गुरमुखी लिपि भाषा कि क्यों गुरमुखी ही, लिखन ही लिखने यूज किया जाता है आ जिन गया बारह पॉइंट है यह बारह पॉइंट ही लिखने इन्हों छ चूज करो जो दिल कर दिख दोी भाषा प्रमुख उपाषाव ठीक है ਦੇ ਆਪਸੀ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਾਝੀ ਦੁਆਬੀ ਮਲਵਈ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਮਾਝੀ ਮਲਵਈ ਦੁਆਬੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਸੇਮ ਸੇਮ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਾਝੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਦੁਆਬੀ ਪੁਆਦੀ ਮਲਵਈ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਨੇ ਦੇਖੋ ਮਾਝੀ ਵਿੱਚ 10 ਵਰਣ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਲਵਈ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੁਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਸ ਖਤਮ ਹੈ ਇਹ 10 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ की चाहिए था और मैं ऐसे नहीं किया बेटा मिनिमम ढाई सौ मार्क्स है चाहे गधे तो गधा स्टूडेंट है ठीक है सिर्फ कॉपी पढ़ के जानी हम जो कॉपी भी नहीं पढ़ोगे मैं कुछ नहीं कर सकता आई एम रियली सॉरी फॉर दैट ठीक और बहुत सारे ने मतलब मैं हम सारा नहीं, नहीं लिखा मैं सिर्फ और सिर्फ अगे जो है क्योंकि टाइम सू एक घंटे सारा कुछ वाइंड अप करना आप अगे जो कॉमन चीजा ने यह हले में सिर्फ और सिर्फ पेपर वन डिस्कस कर रहा पेपर वन फर्स्ट पेपर जो है ठीक और उसो किस्सा काव दो हजार बई दो हजार उन्नीस दो हज़ार भी सेम क्वेश्चन है किस्सा काव जो अभी टू ए एवर करा वन बी क्योंकि वन एच ना नीचे किस्सा काल के उत्ते ठीक है और उस तो वन बी वन बी के बाई इक्की और भी वन बी दे विच भी मौत लाइक कॉन्सैप्ट है कि वो क्वेश्चन ने आना ही आना है वो तो बिना वन बी पूरा नहीं हों जिमें सा बहुत तगड़े राइटर ने अमृता प्रीतम प्रोफेसर मोहन सिंह मतलब ये है ही इन्होंने तो बिना नहीं हो सकती लिटरेचर का पेपर पूरा नहीं हो सकता तो मैं सिर्फ एक ही दो एग्जाम्पल्स इतने लिखिया ने ठीक है सेम क्वेश्चन है देख लो चक्के ठीक और अगर असं गल करते हैं प्रगतिवादी का राइटर ने प्रगतिवादी कविता दिख द है उन्होंने प्रगतिवाद है ठीक है तो प्रगतिवादी का प्रोफेसर मोहन सिंह अमृता प्रीतम बाबा बलवंत हम कहो जो पेपर आया कॉपी कवर बेटा पेपर जो आया ही राइटर ने प्रगतिवाद तीन क्लास कवर कर करते तीन चौथा पूछ ही नहीं सकते गल समझ आ रही है तीन ही राइटर है और तिने इन्होंने पूछना ही पूछने है एक क्वेश्चन दो पुछ लेंगे दूजेन मतलब इन्होंने हर साल तिने राइटर पूछने हैं और तिने राइटर असं लिखते चौथा राइटर है नहीं प्रडिकटेबिलिटी जो तो मैं कह रहा नाइनटी परसेंट प्रेडिक्टेबिलिटी है और जो मेरा चल रही है ना पंजाबी लिटरेचर की जो अपनी टैस सीरीज है इसे मैं कुछ नहीं करता मेथ भी मेहनत नहीं हूँ जो प्रीवियस ईयर पेपर है दो हज़ार सोलह सतारा तो बाद चकद उन्होंने जिन्हें क्वेश्चन आए हैं मैं उन्होंने है, रिविजन करवा दिना खत्म क्योंकि तो आने ही है यार गधे थोड़ी है नहीं ना गधे नहीं बनना ना ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਪੇਪਰ ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਠੀਕ ਹੁਣ ਲੋਕ ਗੀਤ ਲੋਕ ਗੀਤ ਸੇਮ ਕੁਸ਼ਨ ਲੋਕ ਗੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਕੁਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਗੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੂ ਠੀਕ ਨੋਟਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਡੋਨਟ ਵਰੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ 12 ਮਹਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬੇਟਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 12 ਮਹਾ ਬਾਣੀ ਹੈ बारह माहो ही क्वेश्चन बनता है दूजा क्वेश्चन ही नहीं बन सकता अज तक मैनु हो गया अठ साल नौ साल देखते बारह माह दूजा क्वेश्चन नहीं बनिया मैं वर्डिंग हो सकता अलग अलग हो उसका आंसर बनना जो, बन जो तुम तो पढ़ लोगे बारह माह आंसर एक बनता दूजा आंसर नहीं बनता ठीक एकोश्चन है और जपजी के प्रोडिकटेबिलिटी जपजी के बनते हैं यूपीएससी चौथा क्वेश्चन ही नहीं बनता ठीक है वो तिने क्वेश्चन अभी आप कवर करा वारिशा ठीक है अगेन देख लियो घर जाके हूँ ये तो हो गया प्रेडिक्टेबिलिटी कि मोर दैन नाइनटी परसेंट जो कहा है क्यों है क्यों नहीं है आ है सब तो एक मजेदार चीज पंजाबी है प्रसंग सहित व्याख्या की है कदे छोटे होंगे लिखी है ਕਾਵ 17 ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਰਚਿਤ ਜਪਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਥੈਟਸ ਇਟ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਜੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਹੈਨਾ 500 ਨੰਬਰ ਦਾ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ 500 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 250 ਨੰਬਰ ਪੇਪਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 250 ਨੰਬਰ ਪੇਪਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ 250 ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ ਪੇਪਰ 2 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਨੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਹ ਹੈ ਪਾਪਈਆ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਰੱਖੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਓ ਸਹੀਓ ਰਲਦੇਓ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋਨੇ ਜੇ ਸੂਫੀ ਸੁਜੀ ਸਿੰਗਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਗਾਣਾ ਹੈ ਵਡਾਲੀ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦਾ ਐਂਡ ਆਹ ਹੈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਕਿ ਸਰ ਇਹਦਾ मीनिंग ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਦਾ मीनिंग ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੋ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗਸ਼ਿਤ ਵਿਆਖਿਆ 100 ਨੰਬਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਐਫਰਟ ਸਾਡਾ 0 ਹੁੰਦਾ 0 ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸੰਗਸ਼ਿਤ ਵਿਆਖਿਆ 500 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਨੰਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਚੱਕੋ ਮੌਜ ਕਰੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਐਫਰਟ ਲੈ 0 ਹੋਵੇ ਐਸੇ ਦੀ ਕਦੇ ਐਫਰਟ ਲਾਣੇ ਹੋ ਐਸੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਐਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆਂ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਤਾਂ ਲਿਖ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਿੱਧ ਵਿਆਖਿਆ ਸੌ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ 65 70 ਮਿਨੀਮਮ ਮਾਰਕਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਉਹ ਕੱਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤੇ 100 ਨੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਿੱਧ ਵਿਆਖਿਆ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਿੱਧ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੀ ठीक है प्रसंग की है और नंबर पता कि जो तुम प्रसंग का नाम लिखिए एक नंबर वह मिलना है जो तीन किताब का दा नाम दसता दा, एक नंबर वो मिल जाना है ठीक है होर की चाहिए ठीक अगेन पेपर जो आह रहे ना प्रसंग सैक्शन ए पाँ नंबर का सैक्शन बी दे नंबर का है प्रसंग सहित व्याख्या क्लीयर है आ सैक्शन बी का है प्रसंग सहित व्याख्या समझ आई पेपर टू के दो सैक्शन है ना ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 100 ਨੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਸ ਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਠੀਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾਤਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਆ ਹੈ ਜਿੰਨ ਮੈਂ ਹਾਰਡਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿ ਆਨਸਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਏਡਿਕ ਹਰਡਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਸੋਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਹੋਣੇ ਆ ਅਸੇ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੋਡਾ ਟੀਚਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਕਨੋਮੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਕਨੋਮੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਐਲਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੀਆਰਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ चाहे ऑनलाइन बैठे जो तो किसी ने एकोनमी नहीं पढ़ी सी तो मैं नहीं लगता कि के बारे पता होना है पढ़ाती ना समझ आ गई ना मतलब ना। <laughs> मतलब की है द थिंग इज और अगर पंजाबी नहीं पढ़ी तो नहीं नहीं लिखी तो दैट मीन कि आती नहीं बई मैनू स्टार्टिंग दे सिर्फ सत्त दिन चाहिए सत्त दिन मैं की कह रहा है नो no मैटर करके मेरे को आ रहे हो पी एच डी करके आ रहे हो नो मैटर छे सत्त साल तोी लिखी नहीं जिस दिन मैं भी मैंने भी छे सात साल हो गए लिखे अंजा लिखना क्योंकि असी लिखी भी है हाँ मैं नहीं कहना कि उर्दू फारसी उद्दे नहीं मैं कोई क्लेम कर सदा कि यार छे सात दिन चाहिए क्योंकि लिखी नहीं कभी ठीक लिखी भी है बेटा पिछले छे सात साल तो नहीं लिखी दजन मीन के लिखना भूल गए ठीक है सिर्फ सत्त दिन चाहिए गिनके सात दिन चाहिए अठवे दिन हाथ में पता भी नहीं लगना कि लिख रहे हो सोचना नहीं है गोला नहीं चलाई दोबारा फिर कि दिन लगते हैं दो या चार दिन है सेम इज विदी अगर नहीं लिखी इकलौती हर्डल जो है स्टूडेंट की है लिखी नहीं है और जो नहीं लिखी मैट ही नहीं करता बेटा मैटर ही नहीं करता ठीक है ਮੈਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ 7 ਦਿਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸੇ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਊਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜੋਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੈਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੀ ਪੜਾਊਂਗਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹਨ ਬਲਕਿ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ 2-3 ਜਾਨੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ ਇਹਨੂੰ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਓਪੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਓਲੀਗੋਪੋਲੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਐਡਡ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਟੈਸਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 250 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਸਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਡੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਟੈਸਟ ਔਰ ਟੈਸਟ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਫਾਲਤੂ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਇਅਰ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਤਾ ਹਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਇਅਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ प्रीवियस ईयर पेपर सारे अंतिम टैस सीरीज कवर करा सा सारा का सारा काम कंप्लीट हो जाना उस और अगर तुम टैस दे गए मेरे अकॉर्डिंग दे टू फिफ्टी नहीं मोर दैन टू सैवंटी मार्क्स और कोई ऑप्शनल ला लो बेटा टू सैवनटी मार्क्स जे कोई ऑप्शनल दे दे देना इन्ने घट टाइम इन्ने घट एफर्ट के न फिर तो जाओ ठीक सो दिस इज ऑल अबाउटाबी की है कि नहीं है डाउट जोड़े है वह क्लीयर कर लो ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਜੂਨ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਕਾਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਭੀੜ ਚਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨੋ ਯਰ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸੋਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਫਾਰਮ ਹੋ ਹਨਾ ਕਿ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੀੜ ਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਸੋਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਸੋਚੋ ਯਾਰ ਸੋਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨਲ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੱਸਦਾ ठीक है च बैठे हो ना तो कोई मैटर नहीं करता यूट्यूब उ पूरा तो पूरा सैशन चला गया जाओ दूसरे भी जोड़े ऑप्शन देखने ने अगर चाहते हो तो देखो ठीक एक ध्यान हमेशा याद रखो सू पी एससी क्लीयर करनी है यूपीएससी क्लीयर करनी जिते मिनीम एफर्ट लगे वह लगाना है असी जी एस दार्क्स स्कोर ज्यादा करने हैं और एक चीज़ होर सॉर जी एस दूसरी बेनीफिट ही नहीं बट उसका नाम ही जी एस है यार जनरल स्टडिज है बै जो उस ऑप्शनल एक्सपर्टीज लिख देखनी होंगी तो यूपीएससी हिसाब डिजाइन कर दी यूपीएससी की क्लीयर कट इंस्ट्रक्शन है जी एस द पेपर शुड बी रिटन इन अ जनरल मैनर जी एस द पेपरल नॉलेज नहीं शो करनी द मूवमेंट यू आर ट्राइंग टू शो द यू आर ऑप्शनल नॉलेज इन जी एस पेपर एथिक्स का पेपर लिख रहे हो सोशल इशूज का पेपर लिख रहे हो उस प्लेटो लिख रहे हो जी वो कोर्ट लिख रहे हो बेट मार्क्स कटन याद रखियो मार्क्स वही सकते क्योंकि वो जरल स्टडीज़ का पेपर है एक जरनल लैंगुएज जरनल टर्म्स के लिखना चाहिए ठीक है तो अगर दिमाग है ना कि सर इसका जी एस दा जीएस दे विच दे विच की बेनीफिट है कोई बेनीफिट नहीं बैठा इसका यू पी एससी बेनीफिट है सब तो ज़्यादा जी एस बेनीफिट का ठेका नहीं लिया मैं जी एस द बेनीफिट सू जी एस पढ़ा रहा है उत्थिफिट और इसका बेनीफिट जिन्याट्स कवर करें सारा कितने होना ठीक है यू पी एससी के सब तो ज़्यादा बेनीफिट है क्योंकि इसको असी एक बार कवर करके एक बार टेस्ट देकर साइड पर ला देंगे ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਐਸਟੀ ਐਸਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ ਉਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ ਬੇਟਾ ਐਕਸ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਐਕਸ ਸਬਜੈਕਟ ਜੋ ਹੈ ਐਕਸ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋਊਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਟੀਚਰ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੋਂਗੇ ਕਿਥੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਹੋਣ ਲਈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਖਾਂਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਬਣਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਚੈੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਸੇਮ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੀਚਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਲਈ ਔਰ मेरा को नंबर सारा को वैसे है, है बट एक रिचुअल है <laughs> कंप्लीट कर डबल एट फोर सैवन फाइव थ्री ट्रिपल नाइन जीरो मेरा वट्सअप नंबर है बेटा गलती कॉल करोंगे ठीक नाइनटी नाइन परसेंट प्रडिकटेबिलिटी लिए है कि मैं चकूंगा नहीं ठीक एक परसेंट चांस है कि गलती चक्या गया और प्रॉब्लम की अगर इससे वट्सअप करोगे ना तो मैं ध्यान च कि यार किसी स्टूडेंट का इससे वट्सअप आया कोई मैसेज आया मैं उन्होंने रिप्लाई कर स ठीक है आई एम नॉट सेइंग कि मैं कॉल पिक नहीं करता थोड़ू तो पता है कि मैं बिजी रहना इस करके इस वट्सअप करो कोई भी डाउट है हाँ पूछो पूछो है कुछ नहीं, नहीं कटता बेटा स्पैलिंग मिसटेक होनी नहीं अज है ना स्पैलिंग मिसटेक मैं कह रहा ढाई महीने नहीं रेंती क्योंकि तो मेरी क्लास का सिस्टम नहीं पता पता है ना इकोनमी का सिस्टम पता है ना उन्हें बेट हले लगा नहीं बेचारे ने उन्हें दस ना दौ ठीक है उन्हें आना नहीं मेरी कलास इकोनमी का सिस्टम पता है ना जो नहीं भी आता मैं हथ के कराई देना है तो वो पंजाबी है मेरे लिए ठीक है? है।, है, है तो कोई मिसटेक होनी नहीं है स्टार्टिंग मिसटेक होगी इसे जो तुम लिखते जाओगे क्योंकि मैं कि रेंडमली थोड़े कॉपीज़ नैक करना तो उस मिसटेक है तो सोच के देखो एको ही शब्द जो तो सौ बार लिखता उस मिसटेक कितने रह जानी है नहीं रही स्टार्टिंग कदे नहीं है तो मार्क्स कटते हैं परल प्रपेर जाने हो यार ठीक है होाउट अगर कोई डाउट नहीं है तो मान लो कोई समझ नहीं आया हाँ क्यों कुछ भी नहीं पढ़ना पैंता जो पंजाबी पढ़ोगे मैं उस कलैरिट दे दूँगा किबा नानक फोसफी सिखिजम की फिलोसफी पुछे सिखिजम की फिलोसफी बा नानक की राइटिंग तो बाद कितने बई सुफिज की फिलोसफी पुछे वो इतने पाबा ग्रामर बारे पूछ इतबी कल्चर बारे पुछे वो अभी पढ़ लिया की रह गया कुछ नहीं एक्सट्रा कुछ नहीं पुछते और जो भी पूछते हैं वो असं वैल प्रिपेयर होंगे पहले ही थोड़ी इंटरव्यू तो पहला मैं बैठा है ठीक है जो भी चीज़ है वो पूरा का पूरा कवर की जाऊगी डोंट वरी और मैं फिर एक चीज़ क्लियर कर रहा बेटा लिटरेचर इज द सिंपलेस्ट वे टू क्लियर योर यूपीएससी ठीक है इजीएस्ट वे है सिंपलेस्ट है, है और सब तो ज़्यादा जो बेनिफिट मैं हमेशा ही कहना है कि तुम एक चीज़ देखा करो यूपीएससी लिए बेनिफिट है हाँ है स्टेट जी मेन फोकस चाहिए पीसीएस एस चाहिए तो पीसीएस एस क्लीयर करने लिए सिर्फ और सिर्फ पंजाबी हो सकता है दूजा कोई ऑप्शनल बनया ही नहीं जो सू पीसीएस हैल्प कर दे ठीक है होर कुछ डाउट हाँ पूछो 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 है अपने को गिनती दे चलो ऑनलाइन भी पूछ लो हाँ आई आई टी स्टूडेंट पंजाबी लिटरेचर रख दे बेटा पाल सिंह आई आर एस है मेरा रूममेट मेरा बैचमेट मतलब जो है सारी उही है पंजाबी लिटरेचर पटियाले लगे हुआ है आई आर एस इनकम टैक्स कमिश जो है ऑफिसी लिटरेचर न यूपीएससी क्लीअर्ड है आई आई का पास आउट है दो जसमीत सिंह सिद्धू संधु सॉरी जसमीत सिंह संधु ऑल इंडिया थर्ड रैंक ऑल इंडिया थर्ड रैंक जसमीत सिंह संधु पंजाबी लिटरेचर और बेनिफिट देखो उसका तीजा ऑप्शनी लिटरेचर पहला उन्हें दो अटैम्प्टे किसी लिटरेचर किसी ऑप्शन न क्लीअर नहीं होया तीजा अटैम्प्टिता ऑप्शनल बदल के क्लीयर नहीं होया

असि जी एस के फोकस कर सकते हैं साइ इंटरस्ट है क्योंकि जो ढाई महीने तीन महीने क्लास ला ले इंटरस्ट पैदा हो ही जाए यार क्यों नहीं होगा आते आ जाके एनालिसिस करो तो पता लगेगा थ्री हंड्रेड प्लस मार्क्स है मैं मिनीम की गल कर रहा बेटा और हमेशा कहा जाता ऑप्शनल ना चूज करो जोड़ा सेफेस्ट हो गया ठीक है सेफेस्ट ऑप्शनल सेफेस्ट कोई ऑप्शन होंगे बहुत उपर जा कोई ऑप्शन होंगे बहुत नीचे आता है ठीक है एक ऑप्शन होंगे जिस इन्न मार्क्स तो आ ही जाने बिन एफर्ट तो वह पंजाबी है हमेशा सेफेस चलो जिदा बेस पता हो बेस तो उपरली फोकस करो जो कोई ऑप्शन नहीं जिता बेस ही पाँह नंबर पर हो उसमें किन्ना कवर कर लो है ना टेंशन रही हमेशा और देखो प्रडिकटेबल है सेम रह तीन सौ आेम क्वेश्चन आने ने जो तू इना ही चंकी तरह तैयार कर लेंगी तीन सौ प्लस आन गए नहीं क्यों नहीं आन गए टेस्ट दौ चंकी तरह दियो जो मैं कह रहा है कि आह चीजा पढ़ो तो पढ़ो हो पंजाबी लिखने स्पीड नहीं होंगी बेटा मैटर ही नहीं करता जो तो मैं ढाई महीने पढ़ाना है तो अपने आप स्पीड भी बननी है ठीक है एनी बेसिक बुक्स टू रीड बिफोर ऑप्शनल कुछ नहीं पढ़ना बेटा जीडिया टू बी के मैं मैं ग्रुप केेयर कर दूंगा ठीक है ना मैंने इतने मैसेज कर दो मैं सू ग्रुप एड कर दूँ अगर नहीं होडेड तो उ जो भी दो तीन किताबा पढ़निया ने मैं दस दूंगा पढ़ो ना पढ़ो भी मर्जी है थोड़ी वो बाद आप कवर हो जाएगी ठीक है थैंक यू थैंक यू थैंक यू चलो ऑनलाइन बाय टेक केयर ठीक है जी